सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एशिया प्रशांत के देशों को तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च करने की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य 2030 गरीबी को समाप्त करने, पृथ्वी की रक्षा करने जैसे 17 लक्ष्यों को परिभाषित करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि सतत विकास लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को प्रतिदिन $1 प्रति व्यक्ति के हिसाब से तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त वार्षिक निवेश करना होगा। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट का नाम एम्बिशंस बियॉन्ड ग्रोथ यानी विकास से परे महत्वाकांक्षाएं है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र की संस्था इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 2030 की समयबद्ध प्राप्ति हेतु किए जाने वाले खर्च की सीमा कई देशों के पहुंच के दायरे में है। यह अनुमान उनके फाइनेंशियल रैंकिंग और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का लाभ उठाने की क्षमता को देखते हुए लगाया गया है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें गरीबी से मुक्ति, भूख और कुपोषण से छुटकारा, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे लक्ष्य शामिल हैं। इस रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि हर कीमत पर GDP की वृद्धि को प्राथमिकता देने का पुराना तरीका न तो संभव है और न ही जरूरी। इसके बजाय UNESCAP यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2018 में एशिया प्रशांत विकासशील देशों के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के 5% के बराबर एक निवेश पैकेज प्रस्तावित करता है। इसमें शामिल हैं बुनियादी मानव अधिकारों का समर्थन करने और मानव क्षमताओं को विकसित करने के लिए $669 बिलियन, सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए $590 बिलियन, परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT और पानी और स्वच्छता में सुधार के लिए $146 बिलियन। निवेश के इस अंतर को समाप्त करना कई देशों के लिए पहुंच के भीतर है, लेकिन यह अंतर उन देशों में सबसे अधिक है जो इस अंतर को कम करने के लिए कम से कम खर्च कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण, दक्षिण दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग के साथ साथ मजबूत बहुपक्षीय वित्त पोषण तंत्र सतत और स्थायी विकास की गति को तेज करने के लिए आवश्यक होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता और परिणामों पर अधिक जोर देने के माध्यम से महत्वपूर्ण बचत हासिल की जा सकती है। यह 2014 में यूनेस्को के उन अनुमानों का हवाला देता है जिनके अनुसार विश्व स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के बीच डिस्कनेक्ट और अकेले बुनियादी कौशल के अधिग्रहण के कारण सालाना $129 बिलियन बर्बाद हो गए थे। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षण गुणवत्ता पूर्ण और शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना बेहतर शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में पिछले कई दशकों में शिक्षा की पहुंच और औसत स्कूली शिक्षा में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन गुणवत्ता फिर भी एक मुद्दा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 92 मिलियन बच्चे प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद भी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने में विफल रहते हैं। एशिया प्रशांत विकासशील देशों में शिक्षा के प्रदर्शन पर समझौता किए बिना दक्षता लाभ के माध्यम से औसतन 30% से अधिक की बचत हो सकती है। नए वित्तीय उपकरण जैसे कि ग्रीन बॉन्ड और नए निवेशक वर्ग को बढ़ावा देने से विकासशील एशिया प्रशांत क्षेत्र में निजी वित्तीय क्षेत्र द्वारा प्रबंधित संपत्ति में बड़े पैमाने पर $51 ट्रिलियन का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा निवेश दक्षता में सुधार करते हुए इस क्षेत्र में कर राजस्व को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं।